बहुत अच्छा लगा, मुझे बच्चे बहुत पसंद है और जब बच्चों के चेहरों पे स्माइल ला सकती हूँ इससे ज़्यादा खुशी और खुशी की चीज़ कुछ नहीं हो सकता। वेरी डिलाइटेड, ग्लैड, हैप्पी टू बी अमॉन्ग किड्स एंड शेयरिंग जॉय विद देम। हाँ, मिशन जोस का जो इनिशिएटिव है बच्चों को, बच्चे जो ब्रिज के अंदर मतलब रहते हैं, अंडर प्रिविलेज किड्स, उन लोगों के लिए वो लोग जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और सबको इससे इंस्पायर होना चाहिए और भी लोगों को आगे आना चाहिए क्योंकि बच्चे ही देश का फ्यूचर है। मैं तो हमारे आई एम फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता में काली पूजा होता है दिवाली में, तो हम हमारे घर में सब उपवास करते हैं, फास्ट, दे डू फास्टिंग एंड ऑल, तो हम हमारे बहुत पंडाल्स होते हैं, हर हम घर के नीचे एक पंडाल्स होते हैं, तो हम लोग पंडाल्स में रहते थे, पटाखे फटाते थे, अभी तो काफ़ी बैन हो गया है, अभी तो नॉइज़ पॉल्यूशन एंड आई एग्री विद दैट क्योंकि इतने ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ पेट्रोल एंड स्टफ, तो एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, साउंड पॉल्यूशन, इनको थोड़ा सा कर्व करना ही चाहिए, तो वी आर द पीपल, द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हु शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अबाउट इट। तो ठीक है, मतलब बचपन में बहुत करते थे, अभी तो कम हो गया है, लेकिन बचपन में वो पटाखा फटाने का जो हैप्पीनेस है वो कुछ अलग ही होता है। वाह, हाँ, बहुत अच्छा रहा, लोगों को फिल्म बहुत पसंद आई और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं बॉलीवुड में ऐसे डेब्यू करूं जिसमें मैं एक गर्ल नेक्स्ट डोर हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम फिल्म देखते हैं हम हीरोइन को अपने साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं और इस कहानी के साथ भी कि ये हमारे साथ हुआ है, ऐसे हुआ, जब भी हम फिल्म देखते हैं वैसे ही करते हैं, तो दिस थिंग वॉज ऑलवेज इन माई माइंड, सो आई जस्ट वॉन्टेड कि मेरा कैरेक्टर जो भी हो जो लोग अपने साथ रिलेट कर सके, और उस हिसाब से लोगों ने किया है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट और बहुत मज़ा आया। मैंने जब जो इंसान सपना देखता है और जब वो पूरी होती है उसका खुशी, हैप्पीनेस इज समथिंग विच कैन नॉट बी डिफाइंड और से इन वर्ड्स। बहुत अच्छा रहा, ऋषि जी के साथ तो काम करने में बहुत मज़ा आया, ही इज़ अ वेरी माई डियर पर्सन, वेरी हेल्पफुल, बाहर से कितने भी गुस्से वाले हो दिल से बहुत, दिल का बहुत अच्छा है, और परेश जी तो मेरे पापा बने थे, तो इट वॉज लवली वर्किंग विथ हिम, इतना बढ़िया, इतना एक्सेलेंट एक्टर ही इज, लाइक इट वॉज लवली वर्किंग विथ हिम। इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभी? हाँ, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, एक तो ऑलमोस्ट डन है, शुरू हो जाएगी जैन तक, और बाकी भी काफ़ी सारे है, लगता है कि नेक्स्ट इज गोना बी अ वेरी बिजी ईयर। अच्छा, जो प्रोजेक्ट नाम तो अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं हुआ, बट इट्स अ रोम कॉम अगेन। थैंक यू।